पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी द्वारा बयान दिया गया है, जिसमें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा वो सभी को मानना होगा और उनको अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी निर्देश पार्टी के द्वारा आएंगे वो सभी मान्य होंगे। वहीं मुरादाबाद जनपद में चल रही घोटाले के मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जिसको लेकर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से जानकारी की गई तो भूपेंद्र चौधरी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसको लेकर जांच के लिए टीम आएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, इस पर क्या करना है, लेकिन मेरे को जानकारी से कभी अधिकृत स्थिति में मैं नहीं हूँ कुछ बताने की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी को इसका निर्णय करना है। चर्चा जैसे आप लोग कर रहे हैं, मुझे भी इस तरह की चर्चा मिली है, लेकिन सही जानकारी क्या है, क्या इस तरह की जानकारी मेरे पास भी नहीं है, अधिकृत जानकारी नहीं। तीसरा उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा थी, सब दलित की बात चल रही है, ये दलित क्या 6 महीने पहले ऐसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी को तय करना है और जो भी तय करेंगे आपके सामने वो निर्णय मीडिया के सामने आ ही जाएगा, तो लेकिन मेरे संज्ञान में इस तरह की अभी कोई बात नहीं। सर, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है पार्टी की? पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने जनता के बीच में रहते हैं और अब भी हम लोग जो भी पार्टी के कार्यक्रम अभियान हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी अपनी सक्रियता के साथ उन सब विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, पंचायतों में घोटाला आया है मुरादाबाद में सामने 38 करोड़ का, जिसमें एसआईटी भी गठित कर दी गई है, क्या आदेश आपने दिए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसकी जांच के लिए टीम बनी है और मुझे लगता है टीम आकर स्थलीय निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के आधार पर जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।